नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सिंधी साई भाजी बनाएंगे। ये सिंधी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। तो आइए सिंधी साई भाजी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम पालक लिया है। पालक को पहले हमने मोटी डंडियां हटाकर पत्ते निकाल लिए, अच्छे तरीके से पानी में दो तीन बार धोया, छलनी में रख कर के पानी हटा दिया और पालक को बारीक काट लिया। चौलाई हमने कटी हुई लगभग एक कप ले ली है, थोड़ी सी चौलाई थी। डंडियां हटा दी इसमें से भी, पत्ते लिए, अच्छे तरीके से धोए और पानी हटा करके बारीक काट ली। और ये हमने पीला कद्दू लिया है, करीब 100 ग्राम होगा कटा हुआ, एक कप कद्दू। एक आलू ले लिया है, इसमें हमने तीन टमाटर लिए हैं, ग्राम्स में 200 ग्राम टमाटर हैं, और दो हरी मिर्च लिए हैं जिनको हमने पीस करके पेस्ट बना लिया है। एक बैंगन ले लिया है और थोड़ी सी ग्वार की फली ले ली है, लगभग एक चौथाई कप है ये बारीक कटी हुई। एक चौथाई कप बीन्स ले लिए हैं बारीक कटी हुई, और एक चौथाई कप चने की दाल है जिसे हमने पानी में दो तीन घंटे पहले भिगोया हुआ है, तो ये भीगी हुई चने की दाल है। दो तीन टेबल स्पून तेल, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और दो तीन टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, एक पिंच हींग और एक इंच अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस कर लिया है, या एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले लेंगे। तो ये सारी सब्जियां हमारी तैयार हैं। आलू और बैंगन को काट लेंगे हम तुरंत, क्योंकि आलू हम पहले से काट के रख दें तो वो काले हो जाते हैं और बैंगन भी, इसलिए इन्हें तुरंत काट लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हम अपना कुकर गरम करते हैं। हमने कुकर गरम कर लिया है और कुकर में हम अब तेल डाल देंगे। तेल गरम होने देते हैं, हींग डाल देंगे तेल में, जीरा डाल देंगे, जीरा भुनने के बाद हल्दी पाउडर और अब अदरक, धनिया पाउडर भी डाल देंगे, हल्का सा भूनेंगे और अब हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। ये हमने टमाटर और हरी मिर्च का पीस करके पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट सकते हैं, हरी मिर्च को बारीक काट सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से हमें दो फायदे हैं। एक तो बड़ी जल्दी से हो जाता है, और दूसरा जब हम खाते हैं सब्जी को तो टमाटर और हरी मिर्च मुंह में जाते हैं तो किसी किसी को पसंद नहीं आते, और इसमें जब वो पेस्ट बन जाता है तो सारी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है। और अब हम इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे। लाल मिर्च हमने एक चौथाई छोटी चम्मच डाली है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करें तो आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल सकते हैं। मसाले को थोड़ा सा भुनने देते हैं, और तब तक हम हमारी ये सब्जियाँ, आलू और जो बैंगन नहीं कटे हैं उनको भी काट करके तैयार कर लेते हैं। ये आलू भी हम छोटे छोटे काट लेंगे, जैसे हमने सारी सब्जियां बारीक काटी हैं उसी तरीके से आलू और बैंगन को भी काट लेते हैं। बैंगन भी कट करके तैयार हो गए, हमारा मसाला भी भुन गया है। इसमें हम चने की दाल डाल देंगे, आलू बैंगन डाल देते हैं, ग्वार की फली, बीन्स, कद्दू, चौलाई और पालक, नमक भी डाल देंगे और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक कप पानी डाल और कुकर को बंद कर देंगे। पहले हम सब्जियों को एक सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, हम गैस कम कर देते हैं और धीमी गैस पर सब्जी को 10 मिनट तक पकने देते हैं। सब्जी को हमने धीमी आग पर पूरे 10 मिनट पका लिया है, और अब हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के बाद सब्जी को कुकर में से निकालेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और हमारी सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जी हमारी बन चुकी है। सब्जी को हम इस तरीके से चमचे से थोड़ा मैश कर देते हैं। आप चाहें तो जो रई होती है लकड़ी की
उससे मैश कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालकर इसमें मिक्स कर देंगे। पूरी सब्जी मिली मिली सी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब्जी अलग है दाल अलग है, इसीलिए इस सब्जी को घोटते हैं। ये सब्जी हमारी बन करके तैयार है, इसे प्याले में निकाल लेंगे। ये सब्जी हमारी बन करके तैयार है और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालकर हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं। सिंधी साई भाजी बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छी भाजी बनी है और इसे हम चपाती पराठे या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सब्जी में हमने जो सब्जियां डाली हैं आप अपनी पसंद के अनुसार उनमें से हटा सकते हैं जो भी सब्जी आपको नहीं पसंद हो, या जो सब्जी आपको ज़्यादा पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हरी सब्जियों में हमने पालक लिया, चौलाई ली, आप उसमें हरी मेथी डाल सकते हैं और सोया सब्जी जो होती है वो भी डाली जा सकती है, गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। आपको जो सब्जी नहीं पसंद हो उसे हटा दीजिए और जो सब्जी पसंद हो उसे डाल दीजिए। सब्जी में आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो जिस समय हमने तेल डालकर जीरा भुना था उस समय एक प्याज बारीक कटी हुई और 3-4 लहसुन की कली बारीक कटी हुई डालिए और हल्का सा गुलाबी होने तक भूनिए। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालते हुए सब्जी बना लीजिए और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आप सिंधी साई भाजी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।